खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासन ने सिरसाड़ गांव में अवैध कब्जे हटवाए। गांव सिरसाड़ में कई ग्रामीणों ने पंचायती 384 एकड़ पर कब्जे कर रखे थे। कब्जे की कार्रवाई में 15 ड्यूटी मजिस्ट्रेट व 1870 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। गांव सिरसाड़ की चारों तरफ नाकेबंदी की गई थी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ सोमवार को गांव सिरसाड़ में पंचायती 384 एकड़ जमीन से अवैध कब्जे हटवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने शाम 5:30 बजे तक खेती की जमीन को खाली करवा दिया। इस मौके पर एएसपी उदय सिंह मीणा, तहसीलदार गुलाब सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि गांव सिरसाड़ की 384 एकड़ पंचायती जमीन पर कई सालों से ग्रामीणों ने कब्जे कर रखे थे। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चला गया था। उच्च न्यायालय ने पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रशासन को जल्द पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन द्वारा इस गांव में 11 दिसंबर को धारा 144 भी लगा दी गई थी। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के ओवरऑल इंचार्ज जो है वो उपायुक्त डॉक्टर अंशद सिंह ने गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ को नियुक्त किया था, जिनकी देखरेख में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जब कार्रवाई शुरू की गई थी तो कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध जताने की कोशिश की थी, लेकिन आशीष वशिष्ठ व अन्य अधिकारियों ने बाधा डालने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद ग्रामीण वहां से वापस लौट गए। K9 मीडिया के लिए गांव सिरसाड़ से नवीन कुमार के साथ अमित सबरवाल की रिपोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर हैं, दोनों पर 290 किल्ला तो ले लिया, जो बाकी किले रह गए ना उन पर भी कब्जा लिया, उनमें मकान बने हुए हैं उन पर भी कब्जा लेना चाहिए। ठीक है, जिस शिकायत करता है जो उसका खुद 1.5 किले में मकान है तो उसका भी पाटना चाहिए। हम तो यही बात कर रहे हैं, तो मतलब गांव के जो 290 किले थे उन पर कब्जा ले लिया, जो जिन पर खुद शिकायत करता उन पर क्यों नहीं लिया जा रहा, बस यह बात मांगा हम तो प्रशासन तक, उनके घर पर कब्जा लिया जाए, निष्पक्ष कब्जा लो। हाँ, बराबर जिसका इंच टू इंच। अच्छा, 384 किले चाहिए आपने, जो निष्पक्ष हो, अब जो सरकार ने कही है तो वही 384 किले लेने जाने चाहिए कब्जा उन पर। वैसे ठीक है, जोगिंदर हवा सिंह का मकान है, ये साथ में है। ठीक है, वो कहीं दूर की बात नहीं है, इसका 125 किले में मकान है खुद, उस पर कब्जा लिया जाना चाहिए। जी सर, आप बोलोगे जी? मैं ऑर्डर हो जाए हाईकोर्ट के 384 किले अब वहाँ खाली करवाने के नोटिस लग गए, तो उसमें 384 खाली करवाओ, ये नहीं 296 किले खाली करवा अगर बाकी छोड़ दिए गए, जो उसमें मेरा मकान आ रहा है, गांव के किसी भी व्यक्ति का मकान आ रहा है, पूर्ण तरह खाली करवाओ और उस पर फिर हमने नहीं दिखाओ भाई इतने किले खाली करवा चुके हैं। आपके आइडिया था कितने किले बगैर खाली हुए रह गए? 100 किले रह गए। 100 किले रह गए भाई, 100 किले। हाँ, उन 100 किलों पे क्या चीज़? 100 किले पे चाहे किसी का मकान है, चाहे किसी का घेर है, चाहे को खाली है, सब कवर होनी चाहिए वहाँ। जी सर, चाहे उसमें मेरा मकान है, चाहे इस भाई का है, चाहे किसी और। नहीं, आज जो मैं खेत में मकान बना रहा था, लल्ले भैया मेरा बच जाता, वो तो करने खातर गए थे प्रशासन से, अगर मारा शुरू में गांव की पैमास होनी चाहिए, लाल डोरे की पैमास हो गए, लाल डोरे पर तय खाली करवानी शुरू करो, उसमें चाहे किसी गरीब का चाहे अमीर का है, मामना अपनी जमीन तो कोई हो नहीं खाली, ठीक है, हम खुद भी करते हैं खाली, फिर ये भेदभाव हम हाथ जोड़ने खातर गए खाली, हाथ ऊपर तो लाठी चार्ज कर दिया, उसका सर फूट गया लाठी चार्ज करते हुए, वहाँ हम गए थे राजीनामा करने, नहीं माने कर दिया, गांव वाले धक्का पेल में अपना वापिस आ गए, वापिस आने बाद ये प्रशासन से मारी यह मांग है 384 किले में, चाहे किसी का मकान है, चाहे किसी का गटवाड़ा है, चाहे जोड़ है, चाहे कोई भी खाली होना चाहिए। एसडीएम साहब ने जो करे लिख के, जो एसडीएम साहब ने स्पेशल ये कही है कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जो 384 है मैं 384 खाली करवाऊंगा, ये देखो ये प्रशासन क्या करेगा। जो बढ़िया कर रही है, तरक्की कर रहा है गांव, अगर पंचायत में पैसा ना होगा तो पंचायत कितने देगी भाई, तेरे मेरे बेटे की गरीब की है, कोई सारा लाने के ना है, कह दे भाई है डैड प्रेन है, तो वो जाट करने भी डैड कहेंगे, फिर क्या कर देंगे, गलत बात है भैया, को गरीब की बेटी का लाओ सारा, कि मैं काम चल रहा है,
तेरे मेरे के का भाई भी का भाई कर रहा बढ़िया। ये जो जमीनों का कब्जा लिया ये ठीक किया, एकदम ओके कर रखा है। जो जमीन का कब्जा छुटवाया है गाम राम ने, बढ़िया काम है। जो भी होगा जो अच्छाई के लिए, ये बुराई के लिए नहीं है जी। कितने किलो में छिटफुल हो गया जी? जो पूरे जिस भी सब किलो में खेती बाड़ी हो रही है, हमें सब में कब्जा कार्रवाई की है और सारे खेतों को हमने पंचायत के कब्जे में हवाले किया। कुछ एरिए जहाँ पर अभी घर बने हुए हैं वहाँ की अभी कार्रवाई बाद में ली जाएगी। प्रशासन को कोई दिक्कत आई है? नहीं नहीं, प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं आई है। गाँव वालों ने भी हमारा सहयोग किया है। स्टार्ट में थोड़ी सी दिक्कत थी तो उनके खिलाफ हम थोड़ी कार्रवाई की है, बाकी पूरे गाँव वालों ने हमारा पूरा सहयोग किया है। हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये जिनों में मकान बने हुए हैं सर, ये कितने किले रहे? ये अभी थोड़ा इसकी नक्शा वगैरह बनाए जाएंगे, एस डी साहब उस पर कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई पता लगेगा कितने बने हुए हैं, कितना एरिया है। थोड़ा वो डाइसी एरिया है तो जैसे ही वो उसकी डिमार्केशन हो जाएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सर लगभग आइडिया कितने दिन में उसका? बिल्कुल ज़्यादा आइडिया नहीं। कब्जा ले लिया? हाँ जी, कब्जा ले लिया है। अभी पंचायत को कब्जा हम दे देंगे। तो जो हाई कोर्ट का जो आदेश था कि गैर कानूनी कब्जा है पंचायत को दिलाना है, वो हमने कार्रवाई पूरी कर दी है। हम पंचायत को कब्जा दिला देंगे तो हमारा जो भी हाईकोर्ट का आदेश था उसकी पालना हो जाएगी।